Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5. तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि कुछ दिनों पहले हम लोगों ने अपने बेस्ट फ्रेंड अंडरवाटर माफिया को किडनैप किया था, क्योंकि यार उसने हमारे घर से बहुत सारी महंगी महंगी गाड़ियां चोरी करी थी और वो हमारे दुश्मन डगन बॉस के लिए काम कर रहा था. बट यार उसको किडनैप करने के बाद जैसी ये बात डगन बॉस को मालूम पड़ी, उसने अपने गुंडों की मदद से ट्रेवर को अपने घर से किडनैप करवा दिया और सीधा हमें ऑर्डर दिया कि अगर एक दिन के अंदर में 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने सही सलामत अंडरवाटर माफिया को उस तक वापस नहीं पहुंचाया तो वो ट्रेवर को मार डालेगा. अब यार देखो, ये सब सीन के बाद ना ट्रेवर को बचाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यार वो अपना बहुत अच्छा दोस्त है, हमेशा बुरे टाइम में काम आता है. बट यार ये काम ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था. एक बार को मान लो कि ट्रेवर को बचाने के लिए हम लोग अंडरवाटर माफिया को लेकर डगन बॉस के पास जाते, तो क्या गारंटी थी कि वो ट्रेवर को सही सलामत छोड़ देता? हो सकता था कि वो हमें भी वहीं पर मार डालता, क्योंकि इस टाइम उसके सबसे बड़े दुश्मन हम ही हैं. और साथ के साथ उसने तो ये भी बोला था कि उसके पास ऐसी कोई सीक्रेट चीज़ है जिसके थ्रू वो हम सबको एक एक करके मरवा सकता है. अब ये सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, बट इस सिचुएशन में एक ही बंदा याद आया और वो था लेस्टर. बट यार आप लोग को तो मालूम ही होगा कि लेस्टर की हालत पिछले एक मंथ से बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी, और उसको ठीक करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था और वो था ह्यूमेन लैब, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा इंजेक्शन था जिसको लगाने के बाद लेस्टर को तुरंत ठीक किया जा सकता था. तो उसी को चुराने के लिए हम लोगों ने वहाँ पर चुपचाप से एंट्री मारी और वहाँ के सभी गार्ड्स को मार के वो इंजेक्शन चुरा लिया. और जैसे ही हमने उसे लाके लेस्टर को लगाया, लेस्टर को 1 से 2 घंटे के अंदर ही होश आ गया. और लकीली लेस्टर को डगन बॉस के उस प्लान के बारे में भी मालूम पड़ गया जिसके थ्रू वो हमें धमकी दे रहा था कि वो हमें एक एक करके मरवा देगा, हमारा एनकाउंटर करवा देगा. तो उसका प्लान ये था कि हमने आज तक जितने भी क्राइम करे थे ना, उन सभी की उसने एक रिपोर्ट फाइल बना के FIB को दे दी थी ताकि वो हमें ढूंढे, उसके बिहाफ पे हमें एक एक करके मार दें. बट डरने की क्या बात, जब तक लेस्टर है अपने साथ तो लेस्टर ने भी एक बहुत अमेजिंग प्लान बनाया FIB के वो सारे प्रूफ्स को मिटाने का. तो हमने क्या करा, पहले ना एक झाड़ू पोछे वाला बन के FIB की बिल्डिंग में एंट्री मारी और वहाँ पर जाकर सफाई करते करते हम लोगों ने वहाँ पर कुछ बॉम्ब प्लांट कर दिए और फिर उस बिल्डिंग से बाहर निकल के बॉम्ब ब्लास्ट करे. और जैसे उस बिल्डिंग में आग लगी तो खुद ही फायर फाइटर बन के आग बुझाने के लिए उस बिल्डिंग में घुस गए, और आग बुझाने के बहाने हमने वो सारा का सारा सर्वर डेटा, उसे जितना भी डेटा था वो भी सारा इरेज करके जला दिया, और जो इम्पोर्टेंट फाइल्स थी वो भी निकाल के डिस्ट्रॉय कर दी. और अभी फ़िलहाल हम लोग बिल्कुल सेफ हैं. वैसे अभी ना मेरे को एक गाड़ी जो है मैंने बाहर ला के खड़ी कर रखी थी, इस गाड़ी को ना पहले हम लोग चल के अंदर कर लेते हैं. और यार आज तो वैसे भी कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो कि मुझे फटाफट से निपटाने हैं, क्योंकि लेस्टर ने प्लानिंग स्टार्ट कर दी है कि किस तरीके से हमें ट्रेवर को डगन बॉस के पास से बचा के लाना है. फिलहाल अपनी गाड़ी में अनलॉक कर लेता हूँ. मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत सारी पुलिस वालों की गाड़ियाँ यहाँ पर एक साथ आ रही है. क्या हो गया भाई? वेट एक सेकेंड. ओ भाई साहब, FIB ये पक्का इस टाइम पर मेरे ही घर पे आ रही होंगी. बट क्यों भाई? हेलो FIB क्या करने भाई, ये लोग तो अपनी गाड़ी लेके वो भी पूरी की पूरी फोर्स के साथ सीधा अपने घर पर आ चुके हैं. और भाई यहाँ पर एक नहीं दो नहीं काफ़ी सारे FIB के एजेंट्स हैं और बहुत सारी स्वैट भी ये लोग अपने साथ लेकर आए हैं. यार अभी मुझे यहाँ से भागना चाहिए. नहीं नहीं नहीं, मैं भाग बिल्कुल भी नहीं सकता क्योंकि घर के अंदर लेस्टर है भाई. यार अभी ना मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए. मैं इन लोग को मार भी नहीं सकता क्योंकि मेरे पास बस एक पिस्टल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 16 बुलेट्स हैं. और भाई इन लोग को देखो तो एक के बाद एक स्वैट सोल्जर्स यहाँ पर आते ही जा रहे हैं और ये सारे के सारे अपने घर में घुस चुके हैं. भाई यार ये लोग के वेट, मैं सोच रहा था सिर्फ इतने ही हैं पर अभी भी यहाँ पर बहुत सारे स्वैट सोल्जर्स एक एक करके अपने घर में जाने के लिए आ रहे हैं. वेट यार मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, अगर इन लोगों ने मुझे देख लिया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है. मुझे समझ नहीं आ रहा अभी मुझे यार क्या करना चाहिए. इन लोगों ने चारों तरफ से अपने घर को घेर लिया है. यार अंदर लेस्टर है, मैं भाग नहीं सकता, मुझे इनसे जाके ना बात करनी होगी, क्या पता मामला शांति से निपट जाए. अभी ना अपने पास कोई भी ऑप्शन नहीं है. अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करता भी हूँ तो हो सकता है कि ये लोग मुझे बीच रास्ते में ही मार के गिरा दें, क्योंकि चारों तरफ से तो इन्होंने घर को घेर ही लिया है. मैं भागूंगा तो ये मेरे को आराम से देख ही लेंगे.
मुझे ना एकदम ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। गन को अपनी चुपचाप से अंदर रख लेते हैं और चल के एक बार इनके बॉस से बात करते हैं कि आखिरकार सीन क्या है, क्योंकि अगर मैं चुपचाप से जाके बात करूंगा तो शायद वो बढ़िया हो सकता है। और ये क्या कर दिया इन्होंने? हेलो सर। ऑलराइट गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल इनके बॉस से बात हो चुकी है और इसकी बातें सुनने के बाद तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि सर आप बस हमारे साथ थोड़ी देर के लिए कॉर्पोरेट करिए, हम बस यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले हमारी बिल्डिंग में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और उस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद इनका सर्वर डेटा चोरी हुआ है और किसी ने खबर दी है कि वो सर्वर डेटा यहाँ पे इस घर में ला के रखा गया है। ये पक्का डगन बॉस की हरकत है, वो बस हमें फंसाना चाह रहा है, लेकिन वो सर्वर डेटा हमने डिस्ट्रॉय कर दिया था तो हमें कोई चिंता वाली बात नहीं हो। हेलो ए मत कर मेरे पे, ठीक है ना, अभी डर नहीं लग रहा। वैसे यार इन लोगों ने ना पूरे के पूरे घर में एकदम कबाड़ इधर से उधर उठा के फेंक दिया है, मतलब इंपॉर्टेंट सामान कबाड़ की तरह फेंक दिया है और अच्छे से भाई एक एक जगह चेक करने में लगे हुए हैं। फ्रिज खोल के चेक कर रहे हैं, कोई वहाँ पे गैस स्टॉक चेक कर रहा है। भाई 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 इतनी तगड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर इन्हें कुछ मिलने नहीं वाला यहाँ से। और यहाँ पर भी अच्छे से चेकिंग चल रही है भाई, पूरा टेबल चेयर सब कुछ उठा के इधर से उधर फेंक दिया है और स्वैट सोल्जर्स ने भाई पूरा घर चारों तरफ से घेर रखा है ताकि हम लोग यहाँ से कुछ लेकर भाग भी ना पाए। ढूंढ लो भाई ढूंढ लो, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। वैसे वेट, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ऊपर लेस्टर तो है वो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, पर यार ऊपर ना अंडर वाटर माफिया भी है, अगर इन लोगों ने उसे देख लिया ना तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है अपने लिए, क्योंकि हमने उसे बेमतलब अपने घर में किडनैप करके रखा हुआ है। खास यार ये लोगों से ना ढूंढ पाए। भाई हेलो, इधर उधर इतना सारा सामान उठाकर फेंक दे, एटलीस्ट बुक्स तो मत फेंको यार, उसकी तो रिस्पेक्ट करो। मतलब यार इतनी तगड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पेंटिंग वहाँ से उठा के इधर रख दी कि कहीं दीवार के पीछे तो कुछ नहीं छुपा रखा। मैं घर के बाहर जा रहा हूँ, तुम लोग अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर लो, मुझे तुम्हारा टाइम नहीं खराब करना, जल्दी से इन्वेस्टिगेट करो और यहाँ से निकलो। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली पूरे के पूरे एक घंटे बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है और ये जितने भी FIB एजेंट्स हैं ये सारे के सारे अपनी स्वैट आर्मी के साथ यहाँ से वापस जा रहे हैं। चलो भाई बाय बाय, यहाँ पे दोबारा वापस मुड़ के कभी भी मत आना, ठीक है ना? तो चलो भाई, ये तो सारे के सारे अपना निकल गए और अभी भी अंदर आधे से ज्यादा आर्मी बची है जो कि यहाँ से जा रही है। फटाफट तुम भी निकल लो भाई। फाइनली यार आज तो बच गए पता नहीं कैसे भाई, कसम से वरना हालत खराब हो गई थी भाई। एक मिनट, इतने तो बंदे अंदर गए भी नहीं थे जितने यहाँ से निकल कर आ रहे हैं। चलो ठीक है यार, जितने थे सारे अभी जा चुके हैं, सबको ऑर्डर आ गया यहाँ से वापस जाने का। वैसे यार आज तो हम लोग जैसे तैसे बच गए, वरना ये जो FIB के एजेंट थे ना ये थे तो बहुत डेंजरस। बाय चांस इन्हें अपने घर में उल्टा सीधा कुछ मिल जाता ना तो आज ये लोग पक्का हमें यहीं पर मार के जाने वाले थे, क्योंकि अपने पास कोई गन भी नहीं थी जिससे हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएं। फिलहाल जो हुआ ठीक हुआ, ये लोग अपना यहाँ से जा चुके हैं, बट हमें नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर रहना है, अपने पास गन्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने हमें साफ साफ वार्निंग दी है कि तुम हमारी परमिशन के बिना शहर को नहीं छोड़ सकते अगले एक महीने के लिए। तो हो सकता है ये लोग हमारे घर पर दोबारा ढूंढा ढांडी करने आए या फिर हमें मारने के लिए भी आ सकते हैं। तो भी पहले ना मैं ऊपर आ चुका हूँ, मुझे लेस्टर से बात करनी है। लेस्टर कहाँ पर है? उसको कहीं पकड़ के तो नहीं ले गए लोग? ऐसा नहीं हो सकता यार। वेट एक मिनट, लेस्टर इसी कमरे में रेस्ट कर रहा था बट अभी वो यहाँ पर नहीं है। एक बार चेक करता हूँ अंदर, अंडर वाटर माफिया है। ओके, ये तो अपना चुपचाप यहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ है, इसको तो मस्त एकदम मार पीट के इंजेक्शन लगा के बेहोश कर रखा है। ये अपना यहाँ से निकल पाया बट उन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करी क्या यार? क्योंकि नीचे वाले फ्लोर पर सारा सामान इधर से उधर उठा के फेंक दिया है बट ऊपर वाले फ्लोर पे तो देख के ऐसा लग रहा है जैसे वो लोग आए ही ना हो। नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, वो तगड़े एजेंट्स थे भाई, पूरा घर छान भी इनके जाएंगे बट मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा यार। एक बारी ना मैं लेस्टर के रूम में मीन्स जिमी के रूम में चेक कर लेता हूँ, क्योंकि जब से लेस्टर इस वाले घर पे आया ना वो हमेशा जिमी के कंप्यूटर पे बैठ के काम करते रहता है, बट यार आज तो वो यहाँ पर भी नहीं है। तो फिर आखिरकार लेस्टर गया कहाँ पे? वेट, अभी मेरे को किसी की आवाज़ है। वो देखो फोन पे बात करता हुआ अपना नीचे जा रहा है फुल मस्ती में। भाई साहब ये अलग ही प्राणी है, रुक जाओ मैं इससे ना नीचे ही जाके बात करता हूँ आखिरकार क्या सीन है। लगता है लेस्टर अपना यहाँ पे बैठ के टीवी देख रहा है। वाओ, बाहर इतना सब कुछ हो गया और ये तो ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे इसने कुछ देखा ही नहीं, और ये देख भी क्या रहा है भाई? पता नहीं ऐड आ रही है या फिर कोई शो आ रहा है, मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा। रुक जाओ यार, पहले चैनल चेंज करो, कुछ ढंग का लगाओ। वैसे कुछ देखना ही क्यों है यार, टीवी बंद करो, अभी मुझे इससे यहाँ पर बैठ के बात करनी है, आखिर ये सब क्या था। ओके, तो अभी ना मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है और गाइस
इसको पहले से ही मालूम था कि आज यहां पे FIB आने वाली है, क्योंकि इन भाई साहब जी ने जान मूझ के खुद से ही उन्हें यहां पे बुलाया था। मींस इसने एक फेक नंबर से उन्हें कॉल करा और बोल दिया कि इस घर में जो बंदा रहता है ना, वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है और हो सकता है तुम्हारी फाइल्स उसी ने चुराई हो, क्योंकि FIB को हमारे ऊपर पहले से ही शक था। और इसकी बात के बाद वो हमारे ऊपर मींस हमारे घर में ढूंढा डांडी करने के लिए आए, और जब ढूंढा डांडी करने पे उन्हें कुछ ना मिले तो उनका शक हमारे ऊपर से ख़त्म हो जाए, जो कि हुआ। वो लोग यहाँ पर आए, फिर चुपचाप से बेचारे यहाँ पर चले गए। भाई साहब लेस्टर क्या ही दिमाग लगाते रहता है। लेकिन यार ये बात इसे हमें पहले ही बतानी चाहिए थी, बाय चांस अगर मेरे पास कोई गन वगैरह रहती मैं तो ठोक देता यार FIB वाले बंदों को। बट ठीक है यार, मेरे पास सही है, गन्स वगैरह नहीं थी और मैंने उन्हें कुछ कहा भी नहीं, वरना तो यार लेने के देने पड़ जाते। फिलहाल अभी ना जल्दी से वाली गाड़ी में ले जाकर पहले तो अपने गैराज में खड़ी कर देता हूँ, क्योंकि इसकी बैक में यार जो पैसे हैं मैंने रख दिए थे। वैसे मुझे मालूम है आप लोग क्या सोच रहे हो इतनी देर से कि आखिर हम लोग इस वाले घर में क्या करने के लिए आ गए ना, मैं भूल ही गया था आपको बताना, ये सब यार लेस्टर ने करवाया। लेस्टर कह रहा है कि वो वाले घर में रहना अपना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि वो जो घर है वो मार्टिन मद्राजो का घर था ना यार, उसी ने दिया था। तो लेस्टर कह रहा है इसमें नहीं रहना, यहाँ से निकलो। और जैसे ही लेस्टर ठीक हुआ उसके बाद हम लोग सीधा यहीं पर आ गए थे अपनी गाड़ी वाड़ी लेकर। फिलहाल हाँ मुझे ना अपना यार थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि लेस्टर ने मुझे साफ साफ बोला है कि हो सकता है FIB के एजेंट्स हमारा पीछा करे। मेनली हमें कोई छोटा मोटा क्राइम भी नहीं करना है, ये जो आते जाते हम किसी के भी मुक्का बजा देते हैं, किसी की भी गाड़ी छीन लेते हैं ना, ये भी नहीं। क्योंकि लेस्टर ने हमें साफ साफ बोला है हो सकता है FIB के एजेंट्स हमारा पीछा कर रहे हो। और वेट, ये मैं बाइक लेकर कहाँ पर जा रहा हूँ, मुझे अभी लेस्टर ने ये भी बोला है कि मुझे अपने सारे काम निपटा लेने हैं, क्योंकि उसने पूरा प्लान बना लिया है कि किस तरीके से मैं ट्रेवर को बचा के लाना है और किस तरीके से डगन बॉस और एल रूबियो का खेल ख़त्म करना है। तो उसका काम करने के लिए हमें पहले थोड़े बहुत अपने काम निपटा लेने होंगे, ताकि अगर वो एजेंट्स हमारा पीछा कर रहे हो तो उनका भी डाउट क्लियर हो जाए और हमारा भी कोई नुकसान ना हो अपने बिजनेस में। तो फटाफट से पहले वहाँ पर चलते हैं। वैसे भी मैं जाने वाला हूँ सीधा उस जगह पे, आप लोग को याद होगा कुछ टाइम पहले हमने कुछ कार्स की डील करी थी ना, वो कार्स अभी तक अपने फरारी वाले न्यू शोरूम पे पहुंची नहीं है। वो कार्स बस मुझे पता करनी है आखिर वो लोग भेज भी रहे हैं या फिर नहीं, तो वो कार वहां पर पहुंचानी है, फिर उसके बाद सीधा ट्रेवर को बचाने के मिशन में जुट जाना है सही से, क्योंकि भाई ट्रेवर इस टाइम पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट गाइस, तो अभी ना फिलहाल हम लोग अपनी बाइक लेकर पहुंचने वाले हैं सीधा उस गैराज पे, जहां से मुझे वो सारी की सारी कार्स पिक करनी है और लेकर जानी है अपने नए वाले फरारी शोरूम में। बट यार मुझे ना ये नहीं समझ आ रहा कि उन लोगों ने खुद बोला था कि हम लोग उसी दिन तुम्हारी सारी कार्स खुद पहुंचा देंगे, बट आज पूरा एक हफ्ता हो गया कोई भी गाड़ी हमारे शोरूम पे नहीं पहुंची है। वैसे यार एक बार आप लोग इधर ध्यान से देखो, कहने का तो ये इंडस्ट्रियल एरिया है और इधर एक से बढ़कर एक गाड़ी खड़ी हुई है ये, लेकिन मैं अपनी बाइक लेकर कहाँ पे आ गया हूँ। मुझे उस गैराज में जाना है और लास्ट टाइम भी मेरे को गैराज का रास्ता पता नहीं था, मैं पता नहीं कैसे पहुँच गया था, बट अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे अपनी बाइक लेकर कहाँ पे जा। हाँ इतना मुझे याद है कि वहाँ पर कुछ रेलवे ट्रैक्स गए हुए थे, तो हो सकता है ये वाला जो रेलवे ट्रैक है ये भी वहीं पर जाता हो। इधर दो बंदे बैठे, खैर इनको खुद कुछ नहीं पता होगा, मुझे अपनी बाइक लेकर खुद ही जाना होगा ढूंढने के लिए। वेट, अभी यहाँ पर ऐसे भी ट्रैक जा रहा है, एक ट्रैक लेफ्ट में भी जा रहा है, इधर को लेकर चलता हूँ, क्योंकि कोई बड़ा सा वेयर हाउस था, मैं कंपनी का नाम भी भूल गया, वो रहा सेंट्रल मिलिंग कंपनी, लेट्स गो, हमें यहीं पर आना था। और अभी हम लोग इस जगह पर पहुंच चुके हैं और ये रहा गाइस वो एंट्रेंस जहाँ से हमें अपनी बाइक लेकर अंदर जाना है इस वेयर हाउस में। लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं, शटर अपना एकदम मस्त खुल गया है। मैं अपनी बाइक लेकर अंदर जाऊं या फिर पैदल जाऊं मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, बाइक लेकर ही चलते हो, छोड़ो लेट्स गो भाई, क्या ही मजा आता है अंदर। अभी देखना यहाँ पे ना थोड़ा सा अंधेरा है, अपनी बाइक की लाइट्स ऑन कर लेते हैं। और ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लॉस सैंटोस के सबसे बड़े अंडरग्राउंड गैराज में। वैसे ये कोई अंडरग्राउंड गैराज नहीं है, ये एक बहुत बड़ी पार्किंग है। वेट, ये पार्किंग में नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्टेडियम है जहां पर पूरे टाइम एकदम मस्त रेस लगते रहते हैं रेसर्स की। भाई एक से एक कार से लोग यहां पर लेकर आए हुए हैं और क्या ही पूरे दिन एंजॉय करते रहते हैं। रुक जाओ, मैं भी इनकी रेस का हिस्सा बन रहा हूँ, लेट्स गो। अभी हम लोग थोड़ा बहुत इनके साथ रेस लगाने वाले हैं। भाई बहुत ज़्यादा तेज़ ड्राइव कर रहे हैं यार ऐसे, मतलब अपनी बाइक की स्पीड भी कोई कम नहीं है, बट उसके हिसाब से ये लोग अपनी कार्स को बहुत अच्छे से चला रहे हैं और बहुत तेज़ चला रहे हैं। रुक जाओ, इसको तो मैं पीछे करके रहूँगा। चल भाई चल, तू निकल यहाँ से अपना। और भाई बहुत, ओ वेट, ये ठोकेगा भाई, रुक जाओ, एकदम बगल में ही ले आए गाड़ी घुमा के। ट्रैक कहाँ पर है यार सारे के सारे? ओ ये है रास्ता, मतलब वाइट लाइंस के बीच में गाड़ी चलानी है। भाई यहाँ पर ना कभी आएंगे यार हम लोग भी रेस करने कोई बढ़िया सी कार लेकर, फिर बहुत ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि एक कार की रेस हो रही है
और मैं बेमतलब इनके बीच में अपनी बाइक घुसेड़ रहा हूँ। तो अभी फिलहाल अपनी गाड़ी, ओ पे तेरी, भाई 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 रुक जाओ, कितनी बुरी तरह इसने अपनी बाइक ठोक दी भाई, पूरा डेंट आ गया आगे। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल अपनी बाइक, अरे एक और कार आ रही है, रुक जा, जा भाई तू अपना जा। हाँ वैसे मैं यहाँ पर किसी और काम के लिए आया हूँ, मुझे ये सारी की सारी गाड़ियाँ पता करनी है इन्होंने डिलीवर क्यों नहीं करी, और मैं अपना अलग ही मस्ती में रेस में लगा पड़ा हूँ। फिलहाल गाइस इधर देखो, लैम्बोर्गिनी सियान है, लिमिटेड एडिशन कार भी हमें मिलने वाली है। अपनी वाली तो आपको पता ही है यार, घर पे ही ब्लास्ट हो गई थी, मतलब किसी ने जानबूझ के उसे पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, बट ठीक है यार अब ये कार हमें वापस मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ पर, ओ वेट, ये कौन सी कार है यार, एक सेकेंड, ये कार तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, मैं अंदर जा सकता हूँ ना, मैं टाप के चल लेता हूँ एक बार अंदर, मुझे पता कर आना है आखिर ये कौन सी कार है। भाई साहब क्या ही तगड़ी लुक है इस कार की, बिल्कुल मतलब लैम्बो जैसी तो नहीं है, उस टाइप की ही है थोड़ी सी, बट काफ़ी सही लग रहा है इस गाड़ी का इंटीरियर भी, एक बार ही ना अच्छे से हम लोग चेक करते हैं। ओ वाह, सब कुछ एकदम वर्क कर रहा है इसका, रेडियो वेडियो, भाई लेट्स गो, ये गाड़ी तो एकदम मस्त, मैं चलाने वाला हूँ भाई। फिलहाल अभी ना मुझको चल के उन बंदों को ढूंढना है जो यहाँ पर रहते हैं, लास्ट टाइम उनसे मेरी बात हुई थी, शायद सामने खड़े हैं, रुक जाओ मैं अपनी बाइक लेके ना सीधा उन्हीं के पास चलता हूँ, पर अभी डायरेक्ट मुझे पता करना है, क्योंकि जो इनका मेन बॉस था, जिसकी ये सारी गाड़ियाँ हैं, जिसका पूरा गैराज है, उसने बोला था कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, जो डायमंड कैसीनो है वो तुम्हें मेरे नाम करवाना है, और तुम उसके बदले सारी गाड़ियाँ, ये पूरा गैराज तुम्हारा हो जाएगा। मैं हेलमेट क्यों पहन रहा हूँ, मुझे लाइट्स बंद करनी है। हेलमेट उतार के अभी जल्दी से हम लोग ना इनसे बात करने के लिए चलते हैं। वेट, यहाँ पर तो पूरी शॉपिंग वॉपिंग चल रही है, ये लेडी यहाँ पर जूते खरीदने आई हुई है, कपड़े खरीद रहा है, शायद यहाँ पर रेसिंग से पहले सब जरूरी होता है, और इससे बात कर लेते हैं पहले हम लोग। ऑलराइट गाइस, तो अभी ना मेरी इससे बात हो चुकी है, और ये कह रही है कि ये कार्स डिलीवर करना भूल गई थी, बट अभी फिलहाल इसने अपने वर्कर्स को फ़ोन करके बोल दिया है, और ये कह रही है कि आप बस बाहर 15 मिनट वेट करो, सारी की सारी गाड़ियां ट्रक पे लोड करा के आपके शोरूम तक छोड़ कर आने वाले हैं अभी के अभी। लेट्स गो, फिलहाल हम लोग अभी यहाँ से बाहर चलते हैं। वैसे मेरा मन तो नहीं है, मैं सोच रहा हूँ वहाँ पर जाकर अपना आराम से रेस करूँ, बट हाँ यार खाली पीली एक्सीडेंट हो जाएगा और लेने के देने पड़ जाएंगे, यहाँ पर कार रेसेस बढ़िया रहते हैं, कार लेकर आएंगे तो रेस करेंगे, फिलहाल अभी बाहर चलते हैं। ओके गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैं अपनी बाइक लेकर इस गैराज से बाहर आ चुका हूँ। वेट अ सेकेंड, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे इस कार को मैं यहाँ पर तीसरी से चौथी बार देख रहा हूँ। भाई कहीं इस कार में वो FIB एजेंट्स तो नहीं है जो हमारा पीछा कर रहे हैं? नहीं यार ऐसा नहीं होगा, वो कार तो बंदा यहाँ से लेकर चला गया, पीछा कर रहा होता तो पीछे ले आता है ना फिर गाड़ी। खैर छोड़ो, अभी ना फिलहाल मुझे अपनी बाइक लेकर यहाँ से निकलना चाहिए, बट इस साइड का जो रास्ता है वो तो इन ट्रक वालों ने ब्लॉक कर रखा है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये लोग ही अपनी गाड़ियाँ यहाँ पर लोड करवाने के लिए आए हैं, इतने सारे लोग हैं, जल्दी से जल्दी सारी की सारी गाड़ियाँ लोड हो जाएगी और उसे हम लोग अपने शोरूम पर ले जा पाएंगे। फिलहाल मुझे ना कन्फर्म करना है एक बारी कि क्या वो लोग सही में मेरा पीछा नहीं कर रहे, क्यों? वेट, भाई 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 कसम से ये लोग अभी मुझे लग रहा है कि भाई सच्ची में पीछा कर रहे हैं। मैं एक बारी ना अपनी बाइक को इस गली में लेकर जाता हूँ, और अगर ये लोग यहाँ पर भी ले आए ना तब तो 100% प्रूफ हो जाएगा कि ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। नहीं यार वो लोग, मैं खाली पी ली उनके ऊपर शक कर रहा हूँ, भाई वो लोग आ गए अपनी गाड़ी लेके। भाई वेट, ये FIB के एजेंट्स यार सच्ची में बहुत ज़्यादा ही डेंजरस निकले, यानी कि लेस्टर ने बिल्कुल सही बोला था कि हो सकता है वो मेरा पीछा करे, और वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। सही है कि मैंने उसकी बात को सीरियस लिया, और अभी तक मैंने कोई भी गलत काम नहीं करा, किसी बंदे को मारा वारा भी नहीं है, और उल्टा अभी तो मैं वेपन्स खरीदने जा रहा था। सही है मैं वेपन्स खरीदने नहीं गया, वरना अगर ये लोग देख लेते तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, और मैं सोच रहा हूँ कि वो लोग अभी पीछा नहीं कर रहे। बट एक बार आप लोग ध्यान से देखो, वो लोग अपनी गाड़ी मेरे अगल बगल ही घुमाए जा रहे हैं, मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ वो लोग अपनी कार लेकर फटाफट से वहाँ पहुँच जा रहे हैं। भाई लोकेशन कैसे ट्रैक कर रहे हैं, रुक जाओ एक बार ना मैं अपनी गाड़ी को थोड़ी पतली गलियों में घुसेड़ता हूँ, फिर देखता हूँ ये लोग अपनी कार कैसे लेकर यहाँ पर आने वाले हैं। ऐसी ऐसी जगह से बाइक निकालूंगा ना पता भी नहीं होगा इन्हें रास्ता, वैसे मुझे खुद नहीं रास्ता पता यार ये मैं कहाँ आ गया हूँ। वेट, हाँ ये वाली गली में चलते हैं, पता नहीं उन लोगों ने देखा या नहीं, बट ठीक है अभी शायद से वो लोग मेरे को खो चुके हैं, मैं अपना चुपचाप से यहाँ से निकल गया हूँ। और इधर तो भाई फुल काफ़ी सारी काँव वगैरह, एक आध गोली चला देते हैं उन्हें एक ओ तेरी, तो बाहर मुझे पता नहीं था रास्ता, मतलब गेट वेट खुला होगा, मैंने खाली पीली फायर करा यार चुपचाप निकलो, क्यों मजे ले रहा हूँ यार मैं उनसे, पूरा प्लान फेल हो जाएगा, लेस्टर को भी हमें बचाना है। और सामने एम्युनिशन की शॉप आ गई, फटाफट से ना वेपन्स भी खरीद लेते हैं, मेरे पास भाई कुछ भी गन वगैरह नहीं है, बस ये एक सस्ती सी पिस्टल है। अरे
ये तो वेपन की शॉप बंद पड़ी है। ये अच्छा नहीं 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 राइट साइड में है। तो अभी ना फिलहाल मैं अपनी बाइक यहीं पर खड़ी करता हूँ और जल्दी से चलते हैं हम लोग सीधा एम्युनेशन की शॉप में। अगर एक आध M416 भी मिल जाएगी ना तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हेलो, अबे खुल क्यों नहीं रहा? साफ साफ लिखा हुआ है ओपन ऑल वीक 24 आवर्स। और वैसे भी एम्युनेशन की जो शॉप है लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी शॉप है, ये पूरा वेयर हाउस है। बट पता नहीं यार ये बंद क्यों रखा है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। खैर छोड़ो यार, मुझे किसी दूसरी शॉप पे ही जाना होगा क्योंकि यार इस टाइम पर ना अपने पास वेपन्स होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इधर भी शूटिंग रेंज लिखा हुआ है ओपन है। ओए वेट भाई साहब, ये लोग अपनी कार लेकर यहाँ पर भी पहुँच गए। मैं वापस जा रहा हूँ यार सीधा उस जगह पे जहाँ पर अपना गैराज है। और भाई 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 वेट, इधर इधर क्या चल रहा है? हेलो, अच्छा नाइट क्लब में जाने के लिए पूरी की पूरी भीड़ लगी हुई है। वही मैं सोचूं इधर ऐसा क्या आ गया, इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, वो सारे के सारे बंदों ने लाइन लगा रखे हैं अच्छा नीचे क्लब में जाने के लिए। फिलहाल अभी मैं आ चुका हूँ भाई वापस, तुम गाड़ियाँ लोड कराओ और मैं फटाफट से इन गाड़ियों को लेकर पहुँचता हूँ अपने शोरूम पे। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर देखते ही देखते सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 वर्कर्स ने इतनी सारी गाड़ियाँ 10 मिनट के अंदर ही अपने ट्रेलर पे लोड करवा दी है। फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग इन सभी कार्स को लेकर निकलते हैं सीधा अपने शोरूम के लिए। बाकी यार सीधी सी बात है, इतने सारे ट्रक हम लोग अकेले ड्राइव नहीं कर पाएंगे, तो जिन लोगों ने गाड़ियाँ लोड करवाई है ना वही लोग अपने साथ चलने वाले अपने शोरूम पे, बस मुझे उन्हें रास्ता दिखाना होगा। और हेलो भाई साहब, क्या हो गया भाई? ये सारे के सारे बंदे मिलके इस जोकर को मार क्यों रहे हैं बहुत बुरी तरह। एक सेकंड रुको, निकल यहाँ से, निकल लो अपने अपने घर निकल लो। सुबह सुबह उरे भाई मेरे को कैसे मारा इसने, निकलती रही ऐसी की तैसी, रुक जाओ अब निकल ले तू, चुपचाप निकल ले। और हेलो तू भी निकल ले। खाली बिली सुबह सुबह लड़ रहे हैं, बट ये मैंने क्या कर दिया, FIB के ऑफिसर्स मेरा पीछा कर रहे थे, अब बस उन लोगों ने ये चीज़ ना देखी हो। फिलहाल दूर दूर तक मुझे उनकी कोई गाड़ी नहीं नज़र आ रही। मैंने यार बस यहाँ पर एक छोटी सी लड़ाई छुड़वाई है, वो गन के ऊपर एम मैंने उन्हें भगाने के लिए करा था बस। बाकी यार ठीक है, इतनी सारी गाड़ियाँ आज हम लोग अपने शोरूम पे लेकर जाने वाले हैं, कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। अपना जो नया वाला शोरूम है ना भाई, उसमें तो मेरे हिसाब से इतनी जगह भी नहीं है जितनी कार्स हम लोग एक ही बार में लेकर जा रहे हैं। तो चलो भाई फटाफट से ले आओ अपने ट्रक को, आराम से भाई, पोल था वहाँ पे, आराम से देख के लाओ। फिलहाल हाँ अभी जल्दी से हमें अपनी गाड़ी को यहाँ से राइट मोड़ना है, मीन्स अपनी बाइक को यहाँ से राइट मोड़ना है। और इतने सारे ट्रक हमारे पीछे आ रहे हैं भाई, मतलब अगर हम लोग काउंट करें तो कम से कम अभी अपने पीछे 4 ट्रक, चारों ट्रक में 6-6 कार्स हैं, और भी कुछ कार्स हैं जो कि बाद में आएंगी, बट फिलहाल पहले ये लेके चलते हैं। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग अपनी बाइक लेकर पहुंचने वाले हैं सीधा अपने नए वाले शोरूम पे। मैंने लमार को भी फ़ोन करके यहाँ पर बुला लिया है क्योंकि यार वही है एक बंदा जो कि इस काम में अपनी सबसे ज़्यादा हेल्प करवा सकता है। तो उसका बस यही काम है कि वो सारी की सारी गाड़ियाँ जो है ना वो इस ट्रक पे से अनलोड करवा के शोरूम के अंदर करवा देगा। वैसे ये काम ये लोग खुद भी कर देंगे, बट लमार रहेगा तो थोड़ा ध्यान से हो जाएगा। और हेलो भाई साहब, आराम से चला लो, पीछे इतनी सारी गाड़ियाँ एक आध भी ठुक गई ना लेने के देने पड़ जाएंगे। फिलहाल हाँ हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, बट लमार, ओके लमार भी यहाँ पर पहुँचा हुआ है। तो जल्दी से अपनी बाइक हम लोग यहीं पर खड़ी करते हैं और जल्दी से चल के मैं लमार से एक बारी ना पहले बात कर लेता हूँ, इसको पूरा सीन बता देता हूँ। ओके गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल लमार से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम अपने काम पे ध्यान दो, ये सारी की सारी गाड़ियाँ जो है आराम से लोड करवा के, मीन्स अनलोड करवा के शोरूम के अंदर करवा देगा। फिलहाल अभी अपना काम हो चुका है, अब मैं जल्दी से लेस्टर को फ़ोन करता हूँ और उसको बताते हैं कि आखिरकार ट्रेवर को बचाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। मीन्स अभी हम लोग पूरा फोकस करने वाले हैं ट्रेवर के रेस्क्यू मिशन पे। ओके गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल लेस्टर से कॉल पे बात हो चुकी है और ट्रेवर को बचाने के लिए उसने जो हमें पहला काम करने के लिए बोला है ना भाई, उसको तो सुन के ही थोड़ी बहुत हालत सी ख़राब हो रही है। अब यार देखो, इस टाइम ना अपने लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कुछ वेपन्स, क्योंकि अपने पास कोई भी गन नहीं है, सिंपल सी भी गन नहीं है, मतलब कुछ पिस्टल्स हैं जिसमें भी पूरी एमो नहीं है। और सीन कुछ ऐसा है कि डगन बॉस ने ना लॉस सैंटोस का पूरे के पूरे सैन एंड्रियास की जितनी भी एम्युनिशन शॉप थी वो सारी बंद करवा दी, और उसके अंदर के जितने भी वेपन्स थे ना वो सारे के सारे खुद अपने पास मंगवा लिए हैं, क्योंकि इसको मालूम है कि हमें वेपन्स यहीं से मिलते थे और अगर हमें वेपन ही नहीं मिलेंगे तो डगन बॉस को सारा, मतलब सारा खतरा ही उसका ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें वेपन्स का जुगाड़ करना है और वेपन्स हमें मिलने वाले हैं मिलिट्री बेस में। तो लेस्टर ने मुझे बोला करेक्ट 3:30 बजे जो सैन एंड्रियास वाला ब्रिज है ना उसके नीचे से एक मिलिट्री का ट्रक जाएगा, उस मिलिट्री के ट्रक पे हमें उस ब्रिज के ऊपर से कूदना है
वैसे वो ब्रिज मैंने आपको सही से बताया नहीं, एक मतलब हाईवे पे ब्रिज है, हम पहले वहाँ पर चलते हैं। और मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार मैं चलते ट्रक पे कैसे कूद जाऊँगा एक ही बार में। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि बस वो ट्रक रुके, मैं उस ट्रक के अंदर कूदूँ, फिर हम लोग उसमें बैठ के मिलिट्री बेस जाएंगे और वहाँ से चुपचाप से वेपन चुरा के हम निकल लेंगे। फिर उसके बाद लेस्टर अगला काम बताएगा। ओके गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैं अपनी बाइक लेके सीधा उस ब्रिज पे पहुँचने वाला हूँ जिसके नीचे से वो मिलिट्री का ट्रक होता हुआ जाएगा और मुझे उसके ऊपर जंप मार के उसमें से वेपन चुराने हैं। तो गाइस यही है वो वाला ब्रिज। तो फिलहाल अभी ना मैं आगे कहाँ जा रहा हूँ, मुझे अपनी बाइक यहीं पर रोकनी चाहिए और कोई ऐसा तरीका मुझे ढूंढना है कि जब मिलिट्री का ट्रक यहाँ पर आए तो मैं उसे किसी तरीके से रोक दूँ और उसे मेरे ऊपर शक भी ना हो कि ट्रक किसी ने जान मुझ के रुकवाया है। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा कि हम लोग यहाँ पर उस टाइम पर ट्रैफिक जैम लगा दें। तो ट्रैफिक जाम लगाने के लिए मुझे गाड़ी छोड़ो, पीछे पूरी की पूरी बस आ गई। हेलो हेलो, वेट अंकल, एक बारी बाहर निकलो। वैसे ही आपकी बस का पूरा शीशा वगैरह टूटा पड़ा है भाई, कहीं से बहुत बुरा एक्सीडेंट करवा के आ रहा है। चल भाई चल बाहर निकल, तेरा बहुत हो गया। अब ये बस आज से मेरी भी, पैसेंजर भी एक ही था बस में, वो भी पैसेंजर नहीं, मेरे को कंडक्टर लग रहा है। खैर ठीक है यार, जो भी हो, अभी हमें बस मिल चुकी है। हम लोग एक लेन क्या पूरा का पूरा रोड ब्लॉक कर सकते हैं। पर क्या दिक्कत हो रही है तेरे को, जाना तेरी, एक सेकेंड यार, रुक जा, दो मिनट यार, पहले ना मैं इसकी थोड़ी सी बैंड बजाता हूँ। हाँ क्या हो गया, निकल यहाँ से, चुप चुप चाप, एक और खाएगा, एक और ले फिर, अब चुपचाप यहाँ लेटे रहे, ठीक है ये ले, एक लात भी ले ले, बट अभी फालतू मत बोल क्योंकि ये काम अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें कुछ भी करके आज वेपन्स चाहिए हैं भाई। किसी को नहीं मारा भाई, वो ट्रक के पीछे पड़ी हुई है पुलिस। मुझे भाई आज कसम से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि बस FIB वाले मेरे ऊपर बरस ना जाए। ठीक है गाइस, सब कुछ एकदम ओके चल रहा है, बस का इंतज़ाम एकदम मस्त हो चुका है। अभी जैसे ही आएगी ट्रक मैं बस को यहाँ पर आगे ले जाके लगा दूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इस बस से बाहर निकल जाते हैं, काफ़ी घटिया तरीके से मैंने बस खड़ी करी है। और अभी मुझे अगर पता करना है ना ट्रक कैसे आने वाला है, नीचे से पता करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। एक काम करता हूँ, हम लोग ना सीधा ब्रिज के ऊपर चलते हैं, अपनी बाइक मैं यहाँ पर घुमा के खड़ी कर देता हूँ, रुक जाओ, एकदम मस्त तरीके से। तो ये अपनी बाइक खड़ी हो गई, अभी हम लोग बाइक में से निकलते हैं और एम्बुलेंस आ रही है, रुक जाओ, शायद उस बंदे को किसी ने रिपोर्ट कर दी होगी। बस लेके मत चले जाना, बस इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। तो पैरामेडिक्स आ चुके हैं उसका ध्यान रखने के लिए। फिलहाल अभी ना बस मुझे यहाँ पर बैठ के इंतज़ार करना है उस ट्रक के आने का, और ऐसा इंतज़ार नहीं करना कि वो जब आ जाए तब मैं नीचे जाऊँ। मुझे बहुत पहले से ही पता होना चाहिए कि ट्रक आने वाला है, इसलिए मैं अपने साथ ही बिनाकुलर्स लेकर आया हूँ। ये देखो, अपना आराम से हम लोग दूर तक जूम करके देख पाएंगे कि ट्रक आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, और जैसे ही आएगा मुझे बस से रोड को ब्लॉक करना है और बस अपना काम हो जाएगा एकदम मस्त वाला। फिलहाल अभी मुझे दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा। गाइस देखो, अभी ना फिलहाल मुझे दूर से एक मिलिट्री का ट्रक आता हुआ तो नज़र आ रहा है और इसके ऊपर शायद से वेपन्स भी लोड हो रखे हैं। मुझे तो लग रहा है कि यही वो वाला ट्रक है जिसका हम लोग यहाँ पर इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि लेस्टर ने हमें जो टाइम दिया था ये एग्जैक्ट उसी टाइम पर आ रहा है। फिलहाल अभी मुझे जल्दी से अपनी बाइक लेकर नीचे जाना चाहिए और बस के अंदर बैठ के मुझे रोड ब्लॉक करना होगा, क्योंकि अगर ये निकल गया तो भाई अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। लेट्स गो, थोड़ी कम स्पीड में है वो, अपने को टाइम मिलेगा अपना पूरा काम करने का। तो वो उस वाली लेन पर आ रहा है और उस लेन पर मेरे हिसाब से कोई भी गाड़ी नहीं है। निकलो, यहाँ पर कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए भाई, मैं कोई एक्सीडेंट नहीं चाहता इस टाइम। बस निकल लो, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया ना तो ज़्यादा ट्रैफिक जैम लग सकता है। ओके गाइस, मस्त एकदम बस से हमने रास्ता ब्लॉक कर दिया है, अब जल्दी से मुझे अपनी बाइक लेकर ऊपर जाना है क्योंकि टाइम आ चुका है ट्रक में जंप मारने का। ओ भाई, वेट भाई, अगर ये जंप फेल हुई ना तो कसम से बहुत तेज चोट लगने वाली है। फिलहाल अभी मैं ये फेंस टॉप के इस साइड आ गया हूँ, ट्रक एकदम मस्त नीचे खड़ा हुआ है जैसा हमें चाहिए था, और अभी बस मुझे 3, 2, 1 के काउंट पे जंप मारनी है। 3, 2, 1 लेट्स गो। ये मैंने एकदम मस्त जंप मार दिया है, मैं नीचे आके ट्रक में बैठ चुका हूँ, लेट्स गो। और इसने अपना ट्रक भी चला दिया, भैया मेरे को गिरा मत दियो। बट ये ना अभी बस को ठोक ठोक के बेचारा तिरछा करने में लगा हुआ है। बाकी बंदे भी यहाँ पर आ गए हैं जो कि ट्रक को ठोकने में, मीन्स बस को ठोकने में लगे हुए हैं। ओके गाइस, तो अभी ना फिलहाल इसने टक्कर मार मार के बस को बिल्कुल टेढ़ा कर दिया है और फाइनली अपना जो ट्रक है वो यहाँ से चल चुका है। अभी मुझे ना चुपचाप से यहाँ पर जो तगड़े तगड़े वेपन्स पड़े हैं ना, ये सारे के सारे चुराने हैं। हर डब्बे में तगड़ी तगड़ी गन्स पड़ी हुई हैं,
बस थोड़ा सा बैलेंस भी बना के रखना है, क्योंकि बाय चांस इसने झटके से रेस दी या फिर ब्रेक दी तो हम लोग मुंह के बल नीचे गिरेंगे कसम से। गाइस अभी ना मुझे इन वेपन क्रेट्स में से बहुत तगड़े तगड़े वेपन्स मिल चुके हैं। फॉर एग्जांपल AK-47, M416, स्टन गन, AWM स्नाइपर। जहाँ तक मुझे लगता है इतने में अपना काम हो जाएगा, मुझे और वेपन्स चुराने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, उनकी जो बुलेट्स थी ना, मीन्स उसकी पूरी पूरी मैगजीन्स, वो भी मैं उठा उठा के इस वाले बैग में एक्स्ट्रा कैरी कर रहा हूँ। क्योंकि यार देखो, गन तो पूरे टाइम चलेगी पर गन में जब गोलियाँ ही नहीं रहेगी तो उसका फ़ायदा क्या। इसलिए जितनी ज़्यादा अपने पास एम्युनेशन होगी उतनी देर तक हम लोग तबाही मचा सकते हैं। तो अपना काम एकदम मस्त चल रहा है, चोरी पूरी हो गई है, अब बस पूरा बैग भर लेना है चोरी से। गाइस अभी ना फिलहाल इसने यहाँ पर आकर ट्रक की स्पीड थोड़ी सी कम करी है। मुझे लग रहा है मुझे अभी जंप कर जाना चाहिए, वरना मैं बाद में नहीं जंप कर पाता। ठीक है, फिलहाल सही टाइम पर हमने मस्त जंप मार दी, सारे वेपन्स अपने पास आ चुके हैं। मुझे जल्दी से रोड, ओ भाई हेलो, अबे क्या पागल है क्या भाई ये, मैं आराम से रुकना चाह रहा था। खैर छोड़ो यार, किस्मत ही खराब है, फिलहाल अपने पास वेपन्स आ गए हैं, इससे ज्यादा बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। अभी मुझे ना जल्दी से जल्दी यहाँ से कोई गाड़ी उठानी है और फटाफट से ना निकलना चाहिए मुझे सीधा लेस्टर के पास। वैसे उसके पास जाना नहीं है, मुझे पहले उसे कॉल करके बता देना चाहिए कि अपना प्रॉपर काम हो चुका है, वेपन्स अपने पास आ गए हैं, अब हमें आगे क्या करना होगा लेस्टर को बचाने के लिए वो बता। फिलहाल ये छोड़ो, भी मेरे को ना एक बहुत सही बाइक यहाँ से मिल चुकी है, जल्दी से बाइक पे बैठते हैं और लेस्टर को कॉल करते हैं और चलते हैं सीधा लॉस सैंटोस की तरफ, क्योंकि शायद से लेस्टर अब जो प्लान बताने वाला है उसमें हम लोग ट्रैवर के पास ही जाएंगे। ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक को फुल स्पीड में भगाता हुआ लेकर पहुंच चुका हूं सीधा लॉस सैंटोस, और अभी ना मेरी लेस्टर से भी कॉल पे बात हो गई है। वो हमें कह रहा है कि आज रात अपनी कायो पेरिको आइलैंड की फ्लाइट है, हम लोग वहां पर ना घूमने के बहाने जा रहे हैं और हमें लेस्टर मीन्स ट्रैवर को कुछ भी करके रेस्क्यू करवा के ही वापस आना है। तो मेनली जो लेस्टर का प्लान है वो हर टाइम तो देखो भाई सक्सेसफुल जाता ही है, इसलिए इस प्लान पे मैं पूरा विश्वास करके साथ साथ जाने वाला हूँ। फिलहाल उसने मुझे पहले बोला है कि तुम ना अपना पूरा हुलिया चेंज कर लो, क्योंकि हो सकता है डगन बॉस या एल रूबियो के बॉडीगार्ड हमें पहचान ले। तो सबसे पहले मैं आ चुका हूँ सीधा सैलून बार्बर की शॉप पे, यहाँ से अपने थोड़े हेयर वगैरह चेंज करवा लेते हैं, थोड़ा कलर वगैरह करवा लेंगे तो शायद हमें कोई पहचान नहीं पाएगा। बाकी कपड़े वगैरह भी हमें थोड़े ढंग के देखने पड़ेंगे जो अपने ऊपर एकदम मस्त भी लगे और थोड़ी लुक भी चेंज हो जाए। ओके गाइस, तो मैंने इसे बोला था कि मुझे ना अपनी लुक चेंज करवानी है, थोड़ी बहुत यंग लुक आ जाएगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन यार इस बंदे ने तो फेशियल वगैरह करके पूरा का पूरा बंदा ही चेंज कर डाला है। मतलब क्या अभी ना देख के बिल्कुल भी नहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे सामने माइकल खड़ा हो। पूरे के पूरे हेयर स्टाइल छोड़ो यार, हेयर्स के कलर भी पूरे चेंज कर दिए हैं। वैसे हमें यही तो चाहिए था ना कि कोई भी माइकल को पहचान ना पाए। मुझे नहीं लगता अभी कोई पहचान पाएगा, क्योंकि भाई एक 40-45 साल का आदमी अब 23 इयर्स का जो लग रहा है। फिलहाल अभी बस मुझे थोड़े से ना कपड़े चेंज करने हैं, क्योंकि वैसे कोई पहचाने ना पहचाने बट स्कॉट पैंट में जरूर पहचान लेगा। तो थोड़े से ना यंग एज वाले कपड़े भी हमें पहनने होंगे जो कि इस हेयर स्टाइल और इस फेस के साथ सूट करें। लेट्स गो गाइस, तो ये हम लोग अपनी बाइक लेके पहुंच चुके हैं सीधा सबअर्बन, और यहां से हमें ना बढ़िया बढ़िया कपड़े मिल जाएंगे जो कि हमें चाहिए और हमारे ऊपर मस्त एकदम सूट भी करेंगे। तो फटाफट से अपनी बाइक को यहां पर रोकते हैं और जल्दी से चलते हैं शॉप में, एकदम बेस्ट बेस्ट कपड़े हम लोग लेकर जाने वाले हैं। मुझे थोड़े उस टाइप के कपड़े चाहिए जो बंदे बीच वगैरह पे जाते हैं घूमने के लिए उस टाइम पे यूज करते हैं। लेट्स गो, यहाँ से पता करते हैं कौन से क्लोथ्स हैं यहाँ पे। गाइस ऊपर के लिए शर्ट ना मुझे ये वाली ज्यादा बेटर लग रही है, तो ये परचेस कर लेते हैं। और अभी मुझे कुछ शॉर्ट्स देखनी होगी, एक ये वाली मैंने ट्राई करी है, यहाँ पर और भी काफ़ी सारी हैं, देखते हैं इसके साथ कौन सी मैच कर रही है। वैसे सबसे ज़्यादा यही वाली, वाइट वाली भी अच्छी लग रही है बट हाँ ये वाली ज़्यादा मैचिंग की है तो यही रहने देते हैं। तो ये भी होगी, अब बारी है ग्लासेस की, ग्लासेस देख लेते हैं भाई कौन से सही रहेंगे। बिल्कुल लुक एकदम चेंज करके जानी, कोई भी बंदा हमें पहचान ना पाए वहाँ पे। वेट, ये वाले काफ़ी ज़्यादा सही लग रहे हैं पर ये कुछ अलग चीज़ है, तो इसमें ब्लैक वाले ले लेते हैं। लेट्स गो, पूरा का पूरा अभी बंदा ही चेंज हो चुका है भाई, मैं खुद नहीं बचान पा रहा, दूसरा बंदा क्या बचानेगा। ठीक है यार, अपनी पेमेंट वगैरह हो गई है, फटाफट हम लोग यहाँ से चलते हैं सीधा। एक बार मेरे को लेस्टर को कॉल करना होगा कि आखिर कितने बजे की फ्लाइट है। भाई यहाँ पर कुछ हुआ क्या? वो तेरी, मैं वही कहूँ जब मैं शॉप में घुसा था ना, कुछ ब्लास्ट हुआ था यहाँ पर और अभी तक कोई फायर फाइटर एम्बुलेंस वगैरह नहीं आई। पता नहीं यार, लॉस सैंटोस का बुरा ही हाल है, पता नहीं कैसे पूरा का पूरा ट्रक ब्लास्ट हो गया।
दो तीन बंदे यहाँ पर बेचारे मारे जा चुके हैं। खैर छोड़ो, अभी हम लोग जल्दी से अपनी बाइक लेकर ना कहीं साइड में चलते हैं और एक बारी फटाफट से मैं लेस्टर को कॉल करके पूछता हूँ कि आखिरकार क्या सीन है, मैं घर आऊँ या सीधा एयरपोर्ट जाऊँ अभी। ऑल राइट, तो अभी मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है और लेस्टर कह रहा है कि अब तुम सीधा एयरपोर्ट ही चले जाओ क्योंकि टाइम भी काफी ज्यादा हो गया है, 8 बजे की फ्लाइट ही है और उस टाइम 6:30 बज रहे हैं। अगर एक बार को हम लोग जल्दी पहुंच जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर लेट पहुंच जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा क्योंकि जिस फ्लाइट से हम लोग जा रहे हैं ना, पहली बात तो ये फ्लाइट पहुंचाने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाएगी क्योंकि इसे हम लोग नहीं उड़ाने वाले, इसका दूसरा पायलट है, उसमें काफ़ी सारे पैसेंजर्स भी होंगे, तो टाइम से जाएंगे टाइम से पहुंचेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि वो फ्लाइट हमारे लिए वेट नहीं करेगी अगर हम लोग बाई चांस लेट हो जाते हैं। तो भी फटाफट से पहुंचते हैं सीधा एयरपोर्ट पे, बाकी ये जो बैग वगैरह है और वहाँ पर कौन क्या क्या कैसे कैसे होने वाला है वो सब कुछ लेस्टर ने इंतजाम करा है। एक टाइप से हमारी VIP एंट्री है तो हमारी कुछ चेकिंग वगैरह नहीं होगी वहाँ पर ज़्यादा। ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक लेकर पहुँचने वाला हूँ सीधा लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो फटाफट से हम लोग चलते हैं सीधा अपने प्लेन में और उसमें बैठकर निकल लेते हैं कायो पेरिको आइलैंड में लेस्टर को बचाने के लिए। आज कुछ भी हो जाए उसको बचा के हम लोग रहेंगे। बट वेट एक सेकेंड, हेलो, सामने प्लेन जा रहा है वो तो ठीक है, शायद अपना ही प्लेन होगा, बट मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट के अंदर क्यों जा रहा हूँ? मेरे पास टिकट है, मुझे नॉर्मली टर्मिनल से जाना चाहिए बाकी लोगों की तरह, वरना गड़बड़ हो जाएगी, सब लोग मेरे ऊपर शक करने लग जाएंगे कि वही पुराना माइकल वापस आ गया। फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी की हेडलाइट बंद करते हैं। मैंने अपनी बाइक को भी गलत जगह पे पार्क कर दिया भाई, सब लोग मुझे घूरने लग गए हैं क्योंकि इतनी बड़ी एयरपोर्ट की पार्किंग सामने बनी पड़ी है, फिर भी मैंने बाहर इलाके बाइक खड़ी कर दी। खैर छोड़ो, अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं ऊपर, अपनी बाइक थोड़ी यार, कोई पुलिस वाला अगर उठा कर ले जाएगा तो बढ़िया है, वो उस बंदे को ले जाकर ही देगा जिसके हम चुरा के लाए थे। लेट्स गो भाई साहब, यहाँ पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी के लिए 2 पुलिस ऑफिसर्स खड़े हुए हैं मस्त गन्स लेके, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे बैग में भी गन्स है, वो मुझे चलानी नहीं है। लेकिन गाइस, सारे के सारे पैसेंजर्स बहुत देर से वेट कर रहे थे प्लेन में बैठे बैठे, बट फाइनली पूरे के पूरे आधे घंटे बाद पायलट भी आ चुका है प्लेन में। फ्लाइट थोड़ी सी डिले हो गई है भाई अपनी, बट टाइम आ चुका है यहाँ से टेक ऑफ करके कायो पेरिको आइलैंड निकलने का। वैसे मैं सोच रहा था कि यार कोई बहुत बड़ी फ्लाइट होगी, आखिर लेस्टर इतना ज़्यादा प्रेशर पता नहीं क्यों बना रहा था हम पे, ये एक नॉर्मल सा फ्लाइट है, बट सीन कुछ ऐसा है ना, बड़ी फ्लाइट इसलिए नहीं है क्योंकि कायो पेरिको आइलैंड की जो एयरलाइन है ना, खैर वो तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, बट उसके अगल बगल जो ट्रीज़ है ना उसमें बड़े प्लेन के जो विंग्स हैं ना वो भिड़ सकते हैं, इसलिए वहाँ पे बड़े प्लेन को ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पता नहीं कैसे फ्रैंकलिन कार्गो प्लेन लेकर आ गया था, उसने लैंड भी करा दिया था। खैर छोड़ो, फाइनली हम लोग टेक ऑफ कर चुके हैं, बाय बाय लॉस सैंटोस, अभी हम लोग जल्दी से पहुंचते हैं सीधा कायो पेरिको आइलैंड। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कायो पेरिको आइलैंड, सुबह के 10 बज रहे हैं, लैंडिंग का टाइम आ चुका है और भाई कसम से भले अपनी फ्लाइट उड़ी देर से हो बट पहुंचाया एकदम टाइम पे इस पायलट ने, और क्या ही बढ़िया तरीके से जेट को उड़ा के लाया है और क्या मस्त लैंडिंग करवाई है एकदम सेंटर में, दोनों तरफ पूरा बराबर गैप है, हाँ यही खास बात होती है एक पायलट की। लेट्स गो, सामने कुछ यार कुछ नहीं, बहुत सारी तगड़ी तगड़ी कार्स खड़ी हुई हैं और हर कार का कलर ब्लैक है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई माफिया आने वाला हो। बट वेट, लेस्टर ने कहा था अपनी VIP एंट्री होने वाली है, तो क्या वो VIP एंट्री हमारे लिए ही है? गाइस यस, हम लोग बिल्कुल सही थे, ये जो VIP एंट्री है ये हमारे लिए ही है, मतलब कि इतने सारे जो बॉडी गार्ड्स लेकर आए हो ना, फुल तगड़ी तगड़ी कार्स लेकर, ये सारे के सारे हमारे लिए आए हैं। फिलहाल जल्दी से चल के मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ, भाई साहब कितनी ज़्यादा तगड़ी जी वैगन अपने लिए यहाँ पर आ रखी है, लेट्स गो। भाई साहब मजे हो तो ऐसे हो वरना ना हो, मतलब कि क्या ही माफिया वाली एंट्री करवाई है लेस्टर ने यहाँ पर अपनी। अब जो कोई बंदा भी हमें देखेगा ना, उसको बेचारे को देख के डर लग जाएगा कि सही में कोई बहुत ज़्यादा अमीर बंदा यहाँ पर आया हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब हमने जानबूझ के दिखावे के लिए करा है ताकि एल रूबियो डगन बॉस को तो शक ना ही हो, साथ ही उनके जो बॉडीगार्ड्स हैं ना उनको भी बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर माइकल आया है, क्योंकि आज रात ही जब पूरा अंधेरा हो जाएगा ना यहाँ पर, तब हम लोग जाएंगे एल रूबियो को पकड़ने के लिए, क्योंकि इतना पता चला है अभी मुझे लेस्टर से कि डगन बॉस तो शायद यहाँ पर नहीं है बट एल रूबियो यहाँ पर है, पर उसकी बहुत सारी सिक्योरिटी भी है, अगर हम लोग एक बारी एल रूबियो तक पहुंच जाते हैं ना तो हमें ट्रैवर का भी पता चल जाएगा और हम लोग ट्रैवर को यहाँ से बचा कर ले जाएंगे।
फिलहाल चारों तरफ भाई साहब इनके बंदे ना फैले हुए हैं, कहीं इधर घास में है, कहीं कोई उस वेयर हाउस में है, कोई टावर पे है। बहुत ज्यादा तगड़ा आइलैंड बना रखा है यार, कसम से इस बंदे ने। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग कायो पेरिकू आइलैंड की सबसे बेस्ट लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। अभी फिलहाल मैं गाड़ी से बाहर आ गया हूँ, चल कर ना यहाँ के स्टाफ मेंबर से बात करते हैं कि आखिरकार मुझे आज रात के लिए यहाँ पे कहाँ स्टे करना है। ओके, तो अभी मेरी इससे बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि सर आप पहले लेफ्ट में जाके आराम से ड्रिंक वगैरह कर लो, सामने जितने भी बंगलोस है ना उसमें से 16 नंबर बंगलो हमारा है, मतलब कि आज हम लोग वहां पे जाके रहने वाले हैं। लगता है कि आज शाम को यहाँ पे बहुत मस्त पार्टी होने वाली है क्योंकि फुल लाइट्स स्मोक का सेटअप हो चुका है। फिलहाल अभी हमें कोई पार्टी वगैरह नहीं करनी क्योंकि यहाँ पर हमेशा ही पार्टी होती रहती होगी, लोग एंजॉय करने आते हैं, बट हम लोग यहाँ पे मिशन करने आए हैं ट्रेवर को रेस्क्यू करवाने का, तो हमें उस पर फोकस करना है। तो मुझे सबसे पहले ना अपना बंगलो ढूंढना पड़ेगा कौन सा है। उसने मुझे बोला था 16 नंबर, बट यहाँ पर तो मुझे देखने में ऐसा लग रहा है टोटल बंगलो ही 16 है। एक बारी मैं ये वाला चेक करता हूँ ये कौन सा नंबर है, कोई है तो नहीं ना अंदर। ओके, कोई भी नहीं है, इसमें तो कोई नंबर ही नहीं लिखा भाई, वो अलग ही पागल बना रहा है। वेट, 16 नंबर कौन, मैं काम करता हूँ वो जो सबसे सामने वाला है ना, हम लोग उसमें चल के रहते हैं क्योंकि सबसे बढ़िया व्यू वहीं से मिलने वाला है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस टाइम ना सारे के सारे खाली पड़े हैं क्योंकि सब लोग अपना बीच पे घूमने गए हुए हैं, आइलैंड में पूरा इधर उधर घूम रहे होंगे, इसी का फ़ायदा उठाकर तो हमें आज ट्रैवर को रेस्क्यू करवाना है। ये वाला शायद इसमें कोई रहता है, उसके बैग वगैरह पड़े हुए हैं, यही सबसे ओके है यार, मेरे को नहीं लगता इसके अंदर कोई होगा। तो भी मैं अंदर आ चुका हूँ, यहाँ पर मस्त अपना एकदम बेड वगैरह है जहाँ पर हम लोग अपना सो सकते हैं, बट हमें सोने की जरूरत नहीं है, अपने सोफे वगैरह मस्त लगे हुए हैं। फिलहाल अभी जल्दी से ना मैं सबसे पहले लेस्टर को कॉल करता हूँ कि मैं सही सलामत पहुँच गया हूँ कायो पेरिकू आइलैंड और देखते हैं आखिरकार क्या न्यूज़ है उसकी तरफ से। ओके गाइस, तो अभी मेरी लेस्टर से बात हो चुकी है और लेस्टर कह रहा है कि एक काम करो, अभी तो तुम एकदम मस्त आराम कर लो क्योंकि आज रात को हमें एल रूबियो को मारने के लिए जाना है और ट्रेवर को बचाने के लिए जाना है। और देखो गाइस, ये बिजनेस करता है एल रूबियो, वो जो सामने से इतनी बड़ी बोट आ रही है ना, इस पूरी की पूरी बोट में स्मगलर्स भरे होंगे और ये लोग पक्का ड्रग्स भर के ले जा रहे हैं किसी और कंट्री में भाई सब, तभी वो इतना ज़्यादा अमीर है, इतना बड़ा आइलैंड उसके पास है ये उल्टे सीधे काम करके। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इन सब का नतीजा उसे मिलेगा। फिलहाल अभी जल्दी से ना हम लोग चल के थोड़ा बहुत इंजॉय करते हैं, उसके बाद आराम से सोएंगे क्योंकि लेस्टर ने साफ बोला है हमें शाम को मेरे को सीधा कॉल करेगा और फिर हम मेरे को पूरा प्लान बताएगा कि किस तरीके से मेरे को एल रूबियो तक पहुंचना है और ट्रैवर का पता लगा के एल रूबियो को मार देना है। ओके, तो अभी फिलहाल थोड़ी बहुत कोक पेप्सी वगैरह भी पी लिया है, यहाँ पर मस्त इंजॉय भी कर लिया है, लेकिन अभी टाइम आ चुका है अपने मिशन पे जाने का। बहुत हो गया डांस वगैरह, फटाफट से अपनी ड्रिंक खत्म करते हैं और जल्दी से हम लोग चलते हैं। लेस्टर ने हमें बोला है कि सबसे पहले ना हमें एक बोट का जुगाड़ करना है। ओके गाइस, बाय बाय, पहले ना मैं इस एरिया से निकल लेता हूँ। हाँ, तो लेस्टर ने हमें बोला है कि सबसे पहले ना हमें एक मस्त बोट का जुगाड़ करना है क्योंकि पानी के थ्रू ना लेस्टर को एक ऐसा रास्ता मालूम है जहां से हम लोग एल रूबियो के मेंशन में डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं विदाउट एनी सिक्योरिटी चेकअप। तो मुझे फटाफट से कोई ना कोई तो बोट ढूंढनी ही होगी। बाकी यार देखो, मुझे ना कायो पेरिकू आइलैंड का चप्पा चप्पा मालूम है, इसलिए मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ पर बोट मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। मींस लेफ्ट साइड में ना, लेफ्ट साइड में क्या पीछे वाली साइड पे भी इनका एक टर्मिनल है जहाँ पर इनकी बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह खड़े रहती है। तो वो देखो, वो सामने टर्मिनल पूरा नजर आ रहा है। अब बस अगर हमें वहाँ पर बोट मिल जाएगी ना तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बट वेट यार, ये सामने वाले बंगलो पे कोई है यार, ये फ़ोन पे बात कर रही है, अगर मैं इसके वहाँ पर जाऊँगा तो कहीं ये चिल्ला ना दे, प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा। मैं कोशिश करता हूँ साइड से निकल लूँ, बट हाँ थोड़ा सीन ख़राब हो जाएगा। तू अपना चुपचाप पानी में निकल, ठीक है ना, अभी हमें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसने हमें देखा भी नहीं और यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरास भी नहीं है। यार मेरे को ना बस प्रॉब्लम एक ये लग रही है कि पानी में अगर इन्होंने सी माइंस लगा रखे होंगे ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे यार जो इतना एरिया है ना, ये टूरिस्ट प्लेस है, तो जहाँ तक मुझे लगता है इधर तो सी माइंस नहीं लगे होंगे क्योंकि नॉर्मली जो बंदे आते हैं वो भी अपना यहाँ पे स्विमिंग करते हैं। बट मैं एक काम करता हूँ, मैं अंडरग्राउंड स्विमिंग कर, मतलब अंडर वाटर स्विमिंग कर लेता हूँ। अंडरग्राउंड स्विमिंग क्या होता है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा शायद। यहाँ पर पानी ज़्यादा गहरा नहीं है इसलिए मैं अंडर वाटर जा नहीं पा रहा। लेट्स गो, हो गया, पीछे पानी ज़्यादा गहरा नहीं था भाई साहब, देख रहे हो यहाँ पर इतने में इतनी पीछे 3-4 फिशेस नज़र आ गए और क्या ही मस्त यहाँ पर पानी है भाई,
कायो पेरिको आइलैंड एकदम ही स्वच्छ जगह भाई, यहाँ पर मस्त ग्रीनरी है और एकदम साफ पानी। लेट्स गो। फिलहाल अभी हम लोग उस टर्मिनल पे पहुँचने वाले हैं। मेरे को ना डायरेक्ट वहाँ सीधा बोट के पास नहीं जाना चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं साइड से एंटर करूँगा ना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ पर अभी ना मैं चुपचाप से एकदम आराम से मैं वेट, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई गाइस, शायद उसने मुझे देखा नहीं। बच गया भाई मैं। वो देखो सामने एक बंदा है, वो तो सही है, यहाँ पर कुछ रॉक्स थे तो मैं उसकी वजह से आया, तो उसने मुझे नहीं देखा। मेरे पास ना एक स्टन गन है, अगर मैं स्टन गन इस बंदे के मारूंगा ना तो बहुत ज़्यादा सही सीन रहेगा और फिर मैं अपना चुपचाप आगे जा सकता हूँ। उसका ध्यान चारों तरफ है। लेट्स गो। ऐसे नहीं, क्योंकि स्टन गन क्या होता है ना, शायद लॉन्ग रेंज कम इफेक्ट करती है और बाय चांस अपना शॉट मिस हुआ ना तो गड़बड़ हो जाएगी। फिलहाल अभी मैं पास में आ चुका हूँ, ये इस तरफ में ही देख रहा है, जब ये उस साइड देखेगा ना, लेट्स गो। ओ तेरी भाई, उसने मेरे को देख लिया था, वो शायद पीछे भी कुछ बंदों को मालूम पड़ गया है। मेरे को किसी की तो चिल्लाने की आवाज़ आई थी वहाँ से, पता नहीं यार, अगर वो यहाँ आ रहा होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसके भी स्टन गन बजा देंगे। बट हाँ यार, किसी को पता नहीं चलना चाहिए वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। वैसे मेरे हिसाब से मामला पूरा क्लियर है, मुझे बस कोई बोट ढूंढनी है और यहाँ से फटाफट निकलना है। पहले कवर लेके ना थोड़ी देर में वेट कर लेता हूँ, कोई आ रहा होगा तो मार देंगे। शायद से कोई भी नहीं आ रहा है, यही सही मौका है यहाँ से आगे बढ़ने का। अपनी गन मेरे हाथ में हमेशा रहेगी, बस मेरा निशाना नहीं चूकना चाहिए, सामने कितने भी बंदे आ जाए हम लोग इजिली उन्हें हैंडल कर सकते हैं। फिलहाल मैं सोच रहा था यहाँ पर मुझे बोट मिल जाएगी, बट यहाँ पर तो कोई बोट नहीं है, उल्टा सामने से एक बंदा आ रहा है, वो शायद से इस साइड पर ही आ रहा है। अगर उसने मुझे देख लिया ना तो कसम से बहुत गलत सीन हो जाएगा। मुझे इसे कुछ इस तरीके से मारना है कि जब ये मरे तो इसकी बॉडी भी किसी को ना मिले। भाई वेट, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और वो सामने आकर खड़ा हो गया है, मैं इसे मार दूँ क्या यार? रुक जाओ, नहीं अभी नहीं, इस पर पीछे से अटैक करेंगे, ये बहुत ज़्यादा तेज़ है। मैंने इस पर निशाना लगाया ना, उससे पहले हो सकता है ये मेजे मार डाले। एक सेकंड का तीरी ऐसे के तैसे निकल यहाँ से, इसके मैंने अभी एकदम मस्त जगह मारा है और अपना ये मस्त झाड़ियों में आकर गिर चुका है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेट्स गो। इतने ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, इसका तो हम लोग फुल फायदा उठाने, फ़ायदा छोड़ो, वो देखो सामने एक बंदा, रुक जा, मैं उधर से जाने ही नहीं वाला। यार काश अब मैं एक बोट यहीं से मिल जाती तो कितना बढ़िया रहता। वैसे वेट, शायद से सामने एक बोट है, बट मुझे वहाँ पे जाने के, यार गड़बड़ हो गई। देखो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ, सामने ना दो तीन बंदे खड़े हुए हैं और उधर ही एक बोट भी है। अगर मुझे वहाँ तक जाना है तो मुझे पहले उन दोनों बंदों को निपटाना पड़ेगा। मैं एक बारी ना देख लेता हूँ यहीं से कि आखिरकार वहाँ पर क्या सीन है। ये देखो, ये दोनों लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, इधर एकदम मस्त बोट है। ये बोट अगर हमें मिल गई ना तो आज ही हम लोग ट्रेवर को भी बचा लेंगे और एल रूबियो को भी मार देंगे। पर स्टन गन ना एक बार में एक ही चलती है, तो इन दोनों को एक साथ मारना तो बहुत ज़्यादा ही हार्ड वाला काम है। तो मैं ऐसा करता हूँ, चुपचाप वहाँ तक पहुँचता हूँ क्योंकि शायद से उनके पास वेपन्स नहीं है। एक के स्टन गन मारूंगा और दूसरे बंदे के मुक्का मारेगा उसे पानी में गिरा दूंगा, अपना सीन एकदम क्लियर हो जाएगा। तो धीरे धीरे हम लोग ना उनके पास बढ़ते हैं, मुझे उनके पास पीछे से पहुंचना है, बस अपना काम हो जाएगा। मुझे ना सच्ची में मालूम नहीं था कि आखिर एल रूबियो ने अपने कायो पेरिको आइलैंड में इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी है। खैर डगन बॉस उसके साथ जो मिल गया है, सिक्योरिटी तो बढ़ाएगा ही ना भाई आराम से, क्योंकि भाई इस टाइम कसम से डगन बॉस के पास ना बहुत ज़्यादा पावर है, इतनी ज़्यादा आर्मी है ना उसके पास कि उससे इस टाइम पे कोई भी नहीं भिड़ सकता भाई। एक बार को मिलिट्री भी डर जाएगी उससे भिड़ने के लिए। फिलहाल ठीक है, अभी हम लोग यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं, सामने दो बंदे खड़े हुए हैं। यार मैं कहाँ से जाऊँ, इधर इतने ज़्यादा पेड़ पूड़ हैं, यहाँ से जाना भी थोड़ा बहुत मुश्किल सा हो सकता है अगर हम लोग इसके नीचे से निकल जाए। ओके, हो गया। ऑल राइट, तो अभी ना मैं चुपचाप से चलता हुआ इन लोगों के पीछे आ चुका हूँ। अब ना मुझे बस जल्दी से जाके एक बंदे के स्टन गन मारनी है और दूसरे बंदे के मुक्का मारना। वेट, ये भाग, भाई रुक जाओ, मेरे को लग रहा है कि यहाँ के जो बंदे हैं ना उन्हें मालूम पड़ चुका। ओ तेरी भाई, उन्होंने फायर करना भी स्टार्ट कर दिया। यार ये मैंने क्या कर दिया यार जल्दबाजी में, बट ठीक है, अभी जल्दी से लेस्टर को कॉल करते हैं। बोट हमें मिल चुकी है, उनको मैं पता ही नहीं चलने दूंगा कि आखिर मैं गया कहाँ पे। बट यार वो पागल थोड़े हैं, वो भी अपनी बोट लेके आते ही होंगे मेरे पीछे, मुझे फटाफट से इसे भगाना होगा।
ये बोट के नाम पे कूड़ा है, 50 की स्पीड पे भी नहीं जा पा रही। ओके गाइस, तो अभी मैं इस बोट को धीरे धीरे भगाता हुआ एल रूबियो की मेंशन की बैक साइड पे पहुंचने वाला हूँ, क्योंकि लेस्टर ने मैं यही बोला था कि इसके घर की बैक साइड पे कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता, और वहाँ की जो एंट्रेंस है वहाँ से घर में घुसना सबसे ज़्यादा सिंपल है। वेट, सामने से कोई तो बोट आ रही है भाई, शायद से ये सिक्योरिटी गार्ड है, पर उनको मालूम नहीं पड़ा कि इस बोट में बैठा कौन था, क्योंकि पहली बात तो मेरी पूरी बॉडी कवर है, और दूसरी बात ये जो बोट है ना, ये इन्हीं की सिक्योरिटी गार्ड्स के, तो आखिर बेचारे कहाँ से पहचानेंगे भाई साहब। मतलब बहुत गंदी सिक्योरिटी लगा रखी है, ऐसी बात नहीं है, वो तो अच्छी बात ही है कि लेस्टर ने इस जगह पर आने का सबसे सही रास्ता ढूंढ के रखा हुआ था। फिलहाल अभी ना मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, पहले हम लोग ना यहाँ पर अपना थोड़ा सा कवर लेकर ना वेट कर लेते हैं, एक बार इधर उधर देख लेते हैं कोई आ तो नहीं रहा ना, फिर उस वेट सही में भाई साहब बोट आ गई सामने से कोई, यार ये तो गंदा डरा रहे, बोट उसने यहाँ पर ला के रोक दिया है और वो बोट से बाहर आ चुका है। यार शायद से इसने मुझे देख लिया है, मेरे को इसे मार देना चाहिए। रुक जाओ, वो सामने जा रहा है, किसी को फ़ोन भी कर रहा है, निकलती रही ऐसी की तैसी। मेरी गन में सप्रेसर भी नहीं लगा था, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। सामने से जो बंदे आ रहे हैं उन्होंने भी मुझे देख लिया। अबे यार ये मैंने क्या करा, मेरी M416 में तो एटलीस्ट सप्रेसर लगा हुआ है, मुझे इसी से मार देना चाहिए था। अभी मैं सीधा घर में घुसने वाला हूँ, यहाँ पर जितने बंदे भागे हैं ना, पहले तो हम लोग इनको मार के डाउन कर देते हैं, क्योंकि इन बेचारों के पास गन नहीं थी, ये यहाँ के शायद से गार्डनर थे या फिर वर्कर्स थे नॉर्मल से, तो उनको मैंने मार दिया है। अभी इस वाली एंट्रेंस से मुझे घर में घुसना है, बट सॉरी मुझे आपको भी मारना पड़ेगा, लेट्स गो। इसको भी मैंने मार दिया है, पर कुछ बंदे मुझे शायद पीछे, ओ तेरी भाई साहब, 2 मिनट में ये लोग बैक साइड से भी बोट लेके पहुंच गए, और लेस्टर कह रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है बैक साइड से। भाई 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 अलग ही बता रहा है लेस्टर। खैर ठीक है यार, उस सामने वाले माउंटेन से भी ना कोई तो मारने की कोशिश कर रहा था, खैर उसे छोड़ो, अभी मुझे आगे के बंदों को ध्यान से देखना चाहिए। ओ नहीं, वहां से नहीं, ये ऊपर से कूद के नीचे आ गया था मेरे को मारने के लिए। ठीक है, इसको मैंने मार दिया। वैसे अभी ना सामने की तरफ में मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा है, बट नजर आएगा भी क्यों, सारे के सारे अलर्ट जो हो गए होंगे। अब मैं जैसी जाऊंगा मेरे को बहुत बुरी तरह मारने वाले हैं लोग। वैसे मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा जैसे सामने वाली विंडो से मुझे कोई देख रहा था। ओ तेरी भाई साहब, विंडो से नहीं पर सामने से जरूर भाग के आ गया, और इसको तो मैंने मार डाला है। फिलहाल अभी मुझे जल्दी से ना यहाँ से आगे बढ़ना है और थोड़ा बहुत कवर लेते हुए बढ़ना है। सामने एक बंदा हो रहा है, उसके भी मैंने एकदम मस्त शॉट बजा के उसे डाउन कर दिया। ओ भाई साहब, उनके पास AK-47 है, और शायद से ऊपर वाले फ्लोर पे कोई तो बैठा हुआ है। मुझे आवाज़ आ गई है उसके चिल्लाने की, आवाज़ छोड़ो वो उतर के नीचे ही आ गया सीधा। रुक जाओ, ओ तेरी ऐसे की तैसे, निकल यहाँ से तू भी। ये भी डाउन, 3 से 4 लोग मैंने यहाँ पर मार दिया। चुप, भाई 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 भाई, बहुत गंदी तरह इसने अपनी AK-47 फायर कर दी सीधा मेरे ऊपर। सामने से बहुत सारे बंदे आ रहे लग रहा है, मुझे ना अभी बहुत ज्यादा सोच समझ के यहाँ से आगे बढ़ना होगा। जितने भी बंदे हैं ना उन सबको मालूम है कि मैं किधर से आने वाला हूँ, इसीलिए एकदम कवर टू कवर ही मैं जाने वाला हूँ, वरना बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है। खैर इस बंदे को मैं एक बुलेट और मार देता हूँ, पता चला यहाँ पर मरने की एक्टिंग कर रहा है, उसके बाद झटके से उठ के भाई हमें मार डाले, तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिलहाल अभी यहाँ का तो रास्ता एकदम क्लियर है, आगे का भी रास्ता मुझे क्लियर लग रहा है, बट वहाँ पर शायद कोई मरा हुआ है या लेटा हुआ है। ठीक है, शायद से लेटा हुआ था, उसको भी मैंने और एक आध बुलेट बजा दी है। भाई यहाँ पर भी कुछ, इतने सारे बंदे यहाँ पर आके कैसे गिरे हुए हैं गाइस, पता नहीं, या तो ये सारे के सारे छुप गए हैं या फिर यहाँ पर इतने ही बॉडी गार्ड्स थे, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता भाई एल रूबियो के घर में सिक्योरिटी ना हो। वैसे सिक्योरिटी तो है बट इतनी कम, बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा यार। बट ठीक है यार, अभी ना मुझे उस रेड वाली बिल्डिंग के एकदम टॉप फ्लोर पर जाना है, बट उससे पहले ना मैं थोड़ा अगल बगल का एरिया, भाई ये लोग छुपे ही पड़े हैं कसम से। रुक जाओ, अभी तो मैं बहुत गंदा फंसने वाला हूँ, क्योंकि मैं भाग के सेंटर में आ गया था, मुझे लग रहा था कोई भी बंदा नहीं आसपास, और अभी मुझे दोबारा से कवर में जाना होगा। हेलो भाई, हेलो पीछे इसको मालूम ही नहीं था। वेट, शॉटगन तेरे पे है तो मेरे पे भी शॉटगन है, ठीक है ना। वेट, तीरी निकल यहाँ से, अब आओ बेटा, अब जो आएगा उसके शॉटगन ही पड़ने वाली एकदम मस्त तरीके से। मैं यहीं पर बैठ जाता हूँ ताकि जो आता जाए उसके फटाफट से शॉटगन बजाते जाऊं, बट रुकने का फायदा नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदे यहाँ से आ रहे हैं सामने से। मेरे पास अगर बॉम्ब वगैरह होते ना तो मैं इनको अभी तक कप का मार डालता,
बट ठीक है सामने से एक आता हुआ, लेट्स गो। ओ भाई पीछे से, मुझे पता ही था ये लोग पीछे से भी आ चुके हैं। लेट्स गो, इसको मारना है और सामने वाले को भी मार के लेफ्ट, अच्छा यही था लेफ्ट में जो कि भाग के अब सामने आ गया। भाई वेट, मुझे जल्दी से रेड वाली बिल्डिंग के टॉप पे पहुंचना होगा क्योंकि एल रूबियो वहीं पर है, और अगर एक बारी मैं वहां तक पहुंच गया ना तो ये लोग फिर मेरे को पक्का नहीं मारने वाले क्योंकि इनको पता है ना। वैसे गाइस ये जो सिक्योरिटी है ना वो एल रूबियो की नहीं है, ये डगन, ये एल रूबियो की सिक्योरिटी है जो अलग अलग ड्रेस में आ रहे हैं, बट वो जो फुल आर्मर में आ रहे हैं ना वो तो भाई सब डगन बॉस की सिक्योरिटी है ये। मतलब ये दोनों भाई अभी बहुत गंदी तरह मिल चुके हैं भाई, मतलब डगन बॉस अपनी भी सिक्योरिटी छोड़ कर गया हुआ है यहाँ पर। ओ तेरी भाई साहब, ऊपर से मार रहा है, वही मैं सोचूं भाई मेरे बुलेट्स पड़ कहाँ से रही है। वेट, मैं अभी बहुत गंदा फंसने वाला हूँ क्योंकि सामने से मैं टाप के आ गया था, वो तो अच्छी बात है इसने बिल्कुल भी देखा नहीं। ठीक है तो भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अंदर आ चुके हैं। इस तरफ अंदर कोई है क्या? हेलो कोई है तो भाई पहले निकल आओ बाहर। वेट, यहाँ पर कोई भी नहीं है। ठीक है, मुझे ना गाइस एक जैगुआर की आवाज़ आ रही है, वो पक्का एल रूबियो का ब्लैक जैगुआर होगा जो कि, ओ भाई वो बाहर तो नहीं निकल गया है? वो बाहर निकल जाएगा ना तो भाई कोई मारे ना मारे वो जरूर झटके से आके गला ही पकड़ जाएगा, सीधा सही बता रहा हूँ। ठीक है मेरे को ना चल के उसके जैगुआर को मारना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि अगर वो बाहर आया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। लेट्स गो, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एक बंदा और था, इसे भी मैंने डाउन कर दिया है। सामने भी यहाँ पर एलयूबीओ की बॉडी गार्ड्स हैं, इनको भी फटाफट से मुझे मारना होगा। और गाइस देखो ये है वो जैगुआर जो कि तब से शोर मचा रहा है। निकल, वेट भाई रुक जाओ, ये बहुत ज्यादा गुस्से में यार, मेरी बुलेट्स ना सारी की सारी उस जाली पे लग गई, वरना वो जैगुआर मर गया होता। खैर मेरा ना उसे मारने का मन नहीं है, वो बेचारा क्यों खाली पीली मारा जाए इनकी वजह से। मैं भी इस रेड बिल्डिंग के बाहर आ चुका हूँ, इस पे ऊपर जाने की सीढ़ियाँ मुझे ढूंढनी है और फटाफट यहाँ से ऊपर चलना है क्योंकि एल रूबियो पक्का वहीं पर होगा। बस अब वो कहीं भाग ना गया हो डरपोक की तरह, क्योंकि मैं डायरेक्ट अकेला घुस के आऊँ भाई उसे इस टाइम मारने के लिए। ओ तेरी भाई साहब, यहाँ पर भी बंदे बिठा रखे हैं उसने, बैकअप। ओ वेट भाई, ओ तेरी भाई, इसने मुंह पे कैसे घुसा मारा, निकल तेरी ऐसी की तैसी। मुझे भी शॉर्ट गन निकाल लेनी चाहिए शॉर्ट में क्योंकि वही काम आती है सबसे ज्यादा। एक और ले फिर भाई साहब, एकदम सडनली अटैक मार रहे भाई ये लोग। ओके गाइस तो टाइम आ चुका है एल रूबियो को मारने का। 3, 2, 1 लेट्स गो। गेट मैंने ओपन कर दिया है बट एल रूबियो यहाँ सामने नहीं बैठा। हेलो एल रूबियो, जहां पर भी है भाई चुपचाप से बाहर निकल ले, ठीक है ना? अभी कहीं पर भी बच के भागने नहीं वाला। यहाँ पर ये सोफे पे बैठ के आराम से वाइन पी रहा है और सिगरेट पी रहा है। हेलो ट्रेवर कहाँ पे है भाई? गाइस इसकी बातें सुनने के बाद ना मुझे इसे मारने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, उल्टा मुझे खुद को मारने का मन कर रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है यार सबसे ज्यादा गलत इंसान हम ही है, क्योंकि ये कह रहा है कि जब तक तुम कायो पेरिको आइलैंड नहीं आए थे तब तक इसकी लाइफ में सब कुछ एकदम ओके चल रहा था, बट जैसे इसकी हमारे साथ दोस्ती हुई हमने इसकी जान मुझ के डगन बॉस से फाइट करवा दी अपने फ़ायदे के लिए, और फिर उसके बाद इसकी फाइट्स होते चले गए और हम लोग इसके गार्ड्स को मारते चले गए। बट इसको दुख इस बात का है कि वो जो गार्ड्स थे ना ये उनको अपने दोस्त अपने भाई की तरह मानता था, तो इसको उन्हीं सबका बहुत ज़्यादा दुख है यार। ये ना सही में थोड़ा सा अलग टाइप का बंदा है, इसको बस अपनी लाइफ में इंजॉय करना है, कोई फाइट वाइट से मतलब नहीं है, कोई गैंगस्टर नहीं बनना, बट खाली पीली हमारी वजह से बेचारा ये इन सब में घुसा और उस चक्कर में इसके बहुत सारे बॉडीगार्ड्स मारे गए। बट अब बात आती है ट्रेवर पे, तो ट्रेवर को डगन बॉस ने किडनैप करवाया था और ट्रेवर उसी दिन यहाँ पर जितने भी बॉडीगार्ड्स थे डगन बॉस के उन सभी को मार के भाग गया था, और उसे भागते हुए एल रूबियो ने देखा था बट उसे रोका नहीं क्योंकि एल रूबियो और कोई फाइट नहीं चाहता था, उसने जानबूझ के उसे भागने दिया। और हम खाली पीली यार यहाँ पर ट्रेवर को रेस्क्यू करवाने आ गए, इसको मारने के लिए आ गए, ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ आया कि जब ट्रेवर यहाँ से भाग गया तो फिर वो हमारे पास पहुँचा क्यों नहीं, बस ये सीन नहीं समझ आ रहा। पर जिस हिसाब से बातें कर रहे हैं तो साफ कह रहा है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो अभी के अभी मार दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मैं इसे पक्का नहीं मारने वाला क्योंकि इसकी बातों से मेरे को यार बिल्कुल सच्चा लग रहा है अभी फिलहाल। कसम से यार इसने तो बिल्कुल उदास सा कर दिया, मैं इतनी सारी गन्स इतनी सारी एमो लेकर आया था कि यहाँ पर कोई खतरनाक फाइट होगी, पर इसने तो भाई
दिल सा तोड़ दिया भाई एकदम झटके से। फिलहाल अभी ना मुझे पता करना होगा आखिरकार ट्रेवर गया कहाँ पे, क्योंकि ये कह रहा है कि वो प्लेन लेकर यहाँ से भाग गया था। हटो यार यहाँ से, अभी मेरे को कोई फाइट नहीं करनी है, ठीक है ना। इंतजार कर रहे हैं मेरा कि कब मैं नीचे आऊँ और ये लोग कब मुझे मारे। ठीक है यार अभी ना जल्दी से मैं, अगर ट्रेवर प्लेन लेकर भागा है तो सीधी सी बात है उसके गाँव में जो एयरपोर्ट है वो पक्का वहाँ पर गया होगा, तो अभी फटाफट से मुझे भी वहाँ के लिए निकलना होगा भाई। मतलब ट्रेवर निकल गया यहाँ से, वहाँ पहुँचा भी नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा बस ये वाला सीन मुझे। ओके तो अभी ना फिलहाल जल्दी से हम लोग इस घर से बाहर निकलते हैं और अभी ना मुझे फटाफट से किसी प्लेन या फिर हेलीकॉप्टर का इंतजाम करना होगा, क्योंकि मुझे कुछ भी करके जल्दी से जल्दी लॉस सैंटोस पहुँच के ट्रेवर को ढूंढना है। और ये बात मैं लेस्टर को भी बता देता हूँ कि ट्रेवर यहाँ पर था ही नहीं, वो पहले यहाँ से एस्केप कर चुका है। बट यार एल रूबियो लग तो नहीं रहा था कि झूठ बोल रहा है या फिर हमें किसी प्लानिंग में फंसाने की कोशिश कर रहा है। वेट वेट वेट, यहाँ पर ना भाई मेन गेट पे गार्ड है और वो सामने हेलीकॉप्टर लेस को, मुझे पता था यहाँ पर एक हेलीपैड है, बस यहाँ पर सिक्योरिटी ना हो। पता चला मैं हेलीकॉप्टर में बैठ रहा हूँ और वो मेरे अलग ही बजा रहे हैं, ठीक है कोई भी नहीं है। तो जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, लेस्टर को कॉल करते हैं और जल्दी से पहुँचते हैं सीधा लॉस सैंटोस। वैसे यार ये हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा सही नहीं है यार, ये वो वाला नहीं है जो मैं सोच रहा था ना, उसका गेट अलग तरीके से ओपन होता है। बट हाँ 100 किलोमीटर पर आवर है, थोड़ा टाइम लगेगा पर पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके गाइस तो अभी फिलहाल मैं अपना हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचने वाला हूं सीधा सैंडी शॉरेस की एयरलाइन पे। पहुंचने वाला नहीं हूं, पहुंच चुका हूं। वेट, सामने की तरफ में मुझे एक प्लेन दिखा जिसमें से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है भाई, ये तो एक क्रैश्ड प्लेन है। अब कहीं ऐसा ना हो कि ये ट्रेवर का प्लेन हो। मैंने अपने हेलीकॉप्टर को तो एकदम यहाँ पर आराम से लैंड करवा दिया है, पर अभी ना मुझे आगे जाने में कसम से थोड़ा बहुत डर लग रहा है, क्योंकि वो जो जेट है वो शायद से वही जेट है जो कि ट्रेवर कायोपेरिको आइलैंड से लेकर निकला था। एल रूबियो ने यही बोला था कि वो प्लेन लेकर भाग गया था, और प्लेन लेकर ट्रेवर यहाँ पर आया और जल्दबाजी में शायद उसका जेट जो है क्रैश हो गया। इसमें से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्पार्कलिंग निकल रही है, मुझे लग रहा है मुझे इसके पास नहीं जाना चाहिए। बट एक बारी मैं ड्राइविंग सीट पे देख लेता हूँ, यहाँ पर तो यार ट्रेवर नहीं है, यहाँ पर दोनों सीट में से किसी एक सीट पर भी ट्रेवर नहीं है, पीछे वाली भी सारी की सारी सीट खाली है। यहाँ पर मतलब किसी एक, ये ना ही ट्रेवर का जेट है ना किसी और बंदे का जेट है, बट ये फिर यहाँ पर ऐसे आके क्रैश कैसे हो गया कुछ समझ नहीं आ रहा यार। वेट, ये जो सामने गाइस गाड़ी है ना, ये ट्रेवर की है। मैं इसकी गाड़ी को दूर से देख के पहचान लेता हूँ, और ये जो उस पर सींग लगा हुआ है ना बुल का, ये सिर्फ ट्रेवर की कार पे ही लगा हुआ था। पर अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि एक बार को मान लेते हैं ट्रेवर कायोपेरिको आइलैंड से ये वाला प्लेन लेकर आया और उसका प्लेन यहाँ पर क्रैश हो गया, तो हो सकता था कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जाए, या फिर वो खुद हॉस्पिटल चला गया उसके बाद, या फिर एम्बुलेंस वाले आके उसे उठा के ले गए हों। तो फिर उसकी गाड़ी यहाँ पर होने का मतलब क्या है ये नहीं समझ आ रहा। ऐसा थोड़ी होगा कि वो पहले वहाँ पर गया फिर दोबारा गाड़ी लेकर आया, फिर उसका एक्सीडेंट हो गया और वो फिर चला गया, पता नहीं आ रही क्या सीन है। अभी ना हमें लेस्टर को ट्रेस करके उसकी लोकेशन पता करनी होगी। मैंने लेस्टर को कॉल किया था लेकिन अभी रात के 4 बज रहे हैं, तो सीधी सी बात है यार लेस्टर भी सो रहा होगा। खैर यार अभी कुछ समझ नहीं आ रहा आखिरकार ये क्या सीन हो गया है। मुझे फटाफट से ना गाइस लेस्टर को एक बारी जाके जगा के ये सब बताना होगा कि ट्रेवर का कुछ भाई अता पता नहीं चल रहा है, पता नहीं यार कहाँ ही चला गया, या तो एल रूबियो झूठ बोल रहा है। बट अगर एल रूबियो झूठ बोल रहा होता तो यार ये सब नहीं होता, यहाँ पर एक जेट क्रैश हो रखा है और उसी जेट की बात एल रूबियो भी कर रहा है और ट्रेवर की गाड़ी भी यहाँ पर खड़ी हुई है, पता नहीं यार क्या ये सीन है। तो चलो गाइस आज के इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना। इस वीडियो पर एम करते हैं 1.5 मिलियन लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो, और जो भी चैनल पे नहीं हुआ है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसे फटाफट से दबा दो। और अगर आप इंस्टाग्राम पर हो तो मुझे भी वहाँ पर फॉलो करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो ओके गाइस आज के इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।